मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा, आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डब्वाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार। सामने दिखाई दे रही तस्वीरें हिसार जिले के अलग अलग गाँव के किसानों ने जो है वो भेजी हैं। आपको बता दें कि जो 2022 के बीमा क्लेम का इंतज़ार था वो हिसार ज़िले के किसानों का लगभग ख़त्म हो चुका है। एक चर्चा पहले भी चली थी कि 33 करोड़ रुपए जो है वो बीमा क्लेम हिसार ज़िले का कंपनी के द्वारा जारी किया जा चुका है और उसके बाद ये दूसरी किस्त जो है वो बताई जा रही है। अब ऐसे में अगर बात करें तो इन स्क्रीन शॉट जो किसानों ने भेजे उन पर साफ तौर पर यही लिखा है कि पीएम बीमा योजना, फसल बीमा योजना के तहत ये राशि जो है वो खाते के अंदर क्रेडिट जो है वो की गई है। अब केवल एक गांव की नहीं, आपको अलग अलग स्क्रीनशॉट्स जो है वो मैं दिखा रहा हूँ। ये स्क्रीनशॉट्स देखिएगा कि किस प्रकार से अलग अलग गांव के अलग अलग किसानों के द्वारा भेजे हुए स्क्रीनशॉट्स हैं। तो ऐसे में अनुमान अब ये लगाया जा सकता है कि बीमा क्लेम जो है वो हिसार ज़िले के अंदर किसानों के खातों में आना शुरू हो चुका है। अब बात रही बाकी और ज़िलों की, तो बाकी और ज़िलों का बीमा क्लेम कब तक आएगा ये कह पाना अभी पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर बात करें तो फतेहाबाद ज़िले का बीमा क्लेम जो है वो एक महीना पहले जो है वो आना शुरू हो चुका था, उसके बाद अब हिसार ज़िले का बीमा क्लेम जो है वो आना शुरू हो गया है। अब बाकी और ज़िलों का एक अनुमान लगाया जा सकता है कि अति शीघ्र जो है वो ये बीमा क्लेम आना शुरू हो सकता है। अब अगर बात करें तो एक या दो किसानों का अगर बीमा क्लेम खाते के अंदर राशि जो है वो आती तो ये भी अनुमान लगाया जा सकता था कि हो सकता है किसी और स्कीम का पैसा जो है वो आया हो। लेकिन अलग अलग गांव की अगर बात करूँ तो कुलेरी गाँव के अंदर, अग्रवा गाँव के अंदर, चूली बागड़ियान गाँव के अंदर जो है वो ये स्क्रीन शॉट जो है वो तमाम इन गाँव के हैं। तो अलग अलग गाँव के अलग अलग किसानों के खातों के अंदर जो है वो बीमा क्लेम आना शुरू हो चुका है। ऐसे में आपको बताऊं तो जो हिसार के अंदर किसानों ने बीमा क्लेम ना मिलने को लेकर के जो धरना लगाया हुआ था वो धरना भी समाप्त होने की चर्चाएं जो वो चल रही हैं, क्योंकि बीमा क्लेम आना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में किसानों ने भी बताया जा रहा है कि अपना धरना जो है वो उठा लिया है। अब ऐसे में सिरसा में भी जो है वो चोपटा तहसील के अंदर जो है वो तहसील परिसर में किसान लगातार बीमा क्लेम की मांग को लेकर के धरना लगा करके बैठे हुए हैं। तो वो उनका धरना जो है वो कब ख़त्म होगा वो तो बीमा कंपनी पे निर्भर करता है और सरकार पे निर्भर करता है। हालांकि एक चर्चा पहले भी आई थी, कृषि मंत्री ने खुद ने जो है वो 25 मई को कहा था कि 6 जून से पहले पहले जो है वो बीमा क्लेम आ जाएगा, लेकिन उसके बाद अब तक भी बीमा क्लेम जो वो नहीं आया है। और आने वाले समय में अगर संभावनाओं की बात करें तो 10 या 15 दिन या एक महीना भी जो है वो लग सकता है। इतने दिन की संभावनाएं जो है वो जताई जा रही हैं कि एक महीने के अंदर अंदर बीमा कंपनी जो है वो क्लेम डालना शुरू कर देगी। लेकिन वहीं एक चर्चा और भी चल रही है कि ये बीमा क्लेम का मैटर जो है वो कोर्ट में जा चुका है और कोर्ट से जैसे ही डिसीजन आएगा तो उसके बाद जो है वो बीमा क्लेम डालना जो है वो शुरू किया जाएगा। अब ऐसे में कोर्ट में जाने की बात में कितनी सच्चाई है ये अभी पुख्ता जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई है, लेकिन एक चर्चा जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही है। खैर, इस मामले में पूरी अपडेट जो है वो आने वाले समय में लगातार जो है वो आपके पसंदीदा चैनल के हरियाणा के द्वारा दी जाएगी कि आखिर बीमा क्लेम जो है वो कब तक आने की संभावना है, कब तक बीमा क्लेम आ सकता है। तो ऐसे में हिसार के किसानों के लिए राहत जरूर इसको कहेंगे कि उनका इंतज़ार जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब फतेहाबाद ज़िले की अगर बात करें तो बहुत से किसान ऐसे हैं जिनका अभी तक बीमा क्लेम नहीं आया है और हिसार ज़िले में भी बहुत सारे किसानों के लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि उनका बीमा क्लेम नहीं आया है। तो ऐसे में हिसार के किसानों से अनुरोध है कि एक या दो दिन जो है वो इंतज़ार कीजिएगा, एक या दो दिन के अंदर आपका बीमा क्लेम आ सकता है। अगर नहीं आता है तो आप अपने ज़िले के जो कृषि अधिकारी के पास डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर हैं
उनसे जाकर के जो है वो आप संपर्क कर सकते हैं। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे और कौन सी जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके यहाँ बीमा क्लेम की क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।